वार्ता में मैं आपके माध्यम से ये लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमारी जो बस स्टैंड दुकान थी, जो शॉप थी, उसका ऑक्शन करना है। जिससे कुछ दुकानों का पहले मैंने ऑक्शन किया हुआ जो ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ हो गई हैं, दे दी हैं, अलाट हो गई हैं, और ये 9 दुकानें ऐसी हैं जो इनको दोबारा ऑक्शन के लिए डाला हुआ है। पहले मैंने की है इनके, इनसे पहले 4, ये 9 दुकानें। इसमें ये प्रोविज़न है कि 19 से लेकर 3 तक ये फार्म कोई भी एलिजिबल आदमी होगा, अपनी एक CDR लगानी है, 5 लाख रुपये, 3,000 का फार्म भी लगेगा, वो लगवा के फार्म भरे। वो हाईएस्ट बिड है 10 लाख रुपया, सरकार की तरफ से बोली है, उससे ऊपर जो भी बिड हाईएस्ट डालेगा उसको ये दुकान अलाट होगी। जो भी एलिजिबल आदमी है जिसका एक्सेप्टेबल होगा यहाँ पर फार्म, वो ये क्लेम कर सकता है, उसके नाम पर अलाटमेंट होगी। मैं आपके माध्यम से लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अप्लाई करो, लो, आपका बिजनेस ऐसी सेंटर प्लेस है यहाँ पर, आदमी का बिजनेस चल सकता है। अच्छा, अनएम्प्लॉयड आदमी है, कितने क्लेम नहीं कर सकते बेचारे, एफर्ट्स नहीं कर सकते, और ये यहाँ से अगर आपके पास शॉप होगी म्यूनसिपल्टी की, आप क्लेम कर सकते हो, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, इजी बैंक लोन दे सकता है आपको। कोई भी ऐसी कोई NGOs है, कोई भी ऐसा काम है जो सेंटर प्लेस में आदमी खोल सकता है, कोई शॉपिंग कम्प्लेक्स बना सकता है, वो ऐसा कोई स्टोर माल टाइप बना सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अप्लाई करो। ऐसा ना हो कि मैं अलाट कोई भी कम आदमी आए डालने के लिए तो उनको अलाट हो जाए, पीछे से बातें, कुछ लोग ऐसे हैं जो बातें करते रहे कि हमें मालूम ही नहीं है जनाब, हमें फार्म ही नहीं भरा जनाब, हमें मालूम नहीं था। इसीलिए कि मैं आपको आपके माध्यम से लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अप्लाई करें आप यहाँ पर।